नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम सोमप्लेन पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा ये 32 फीट के अंदर एक हाउस मॉडल, जो कि आपको इसका जो बाहरी साइड से आप जब देखेंगे तो इसका जो रूफ है टॉप, वो आप छत की तरह दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर हमने टीन सेट का यूज किया हुआ है। हमारे एक सब्सक्राइबर जो आसाम से है, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर हमने ये डिजाइन तैयार किया हुआ है। ऊपर से इसका आएगा दोस्तों टीन सेट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका रूफिंग जो है दोस्तों टीन सेट से आएगा। और 2.5 फीट का हमने चारों साइड पर सनसेट निकाला हुआ है, ताकि जो आपका टीन सेट का जो पानी है, वो आपको यहाँ पर पाइप देख रहे होंगे, इस जगह पे हमने पाइप पीवीसी पाइप का यूज किया हुआ है। इसी पाइप के जरिए आप नीचे की ओर ले आ पाएंगे, देख रहे होंगे चारों साइड पर हमने पाइप का यूज किया हुआ है। और ये आपको यहाँ पर तीन बेडरूम के साथ ये प्लान आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड का एलिवेशन बहुत ही सिंपल पर रखा हुआ है, ताकि जो घर है ये बहुत ही लो बजट वाला हाउस है। पूरे वीडियो में आप बने रहे, कितना बजट में ये घर बन जाएगा हम पूरे डिस्कस में बात करेंगे। तो चले चलते हम मेन टॉपिक पर, कहाँ पर हमने वॉल और कहाँ पर हमने क्या कुछ क्रिएट किया हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। 32 फीट बाय 32 फीट का ये प्लान पर आपको यहाँ पर टोटल 16 कॉलम देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से रहेगा कॉलम पोजिशन, और 16 कॉलम आपको देखने को मिलेगा। देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से रहेगा, हमने डिजाइन किया हुआ इस जगह पे, ये पूरा आपका कॉलम का आपका पोजीशन और कॉलम व्यू आप देख रहे होंगे। अभी मैं ले चलता हूं आपको इस घर का जो वॉल है वो क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे पहले आप यह चीज ध्यान दें कि ये जो मिडिल पर आपको दो कॉलम देखने को मिलेगा, ये वाला और ये वाला कॉलम, यहाँ पर इसका जो कॉलम है बाकी दो कॉलम से हाइट थोड़ा हमने ऊपर रखा हुआ है, ताकि जो टीन सेट का जो स्लैब होगा, स्लोप रूप में होगा टीन सेट, तो उसके लिए हमने कुछ तरीके से यहाँ पर कॉलम का साइज इंक्रीज किया हुआ है मिडिल पर, आप देख रहे होंगे। तो चलिए मैं अभी इसका जो वॉल वगैरह है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, कुछ तरीके से रहेगा वॉल। और यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अभी विंडो वगैरह हम ऐड कर रहे हैं, डोर फ्रेम और विंडो वगैरह सब कुछ ऐड कर रहे हैं। इस जगह पे आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी ये लिंटेल लेवल जो है दोस्तों, वो भी हम ऐड कर रहे हैं इस जगह पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी जो विंडो का जो एलिवेशन है, डिजाइन वगैरह जो है विंडो छज्जा का, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ तरीके से डिजाइन किया हुआ है, आप अच्छे से आपको इस व्यू में दिखा देता हूँ। इसके ऊपर से अभी हम यहाँ पर से जो सनसेट वाले पैरापिट वाले जो गए थे, उसको हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये जो स्लैब देख रहे होंगे, ये साइड पर 2.5 फीट, फ्रंट साइड की ओर हमने 4 फीट, इस साइड की ओर भी 2.5 फीट और इस साइड की ओर भी 2.5 फीट का हमने किया हुआ है। तो यहाँ से हमने पैरापिट वाल जो है वो वाल करेंगे, और जो बारिश का पानी होगा सीधे इस स्लैब पर आके गिरेगा, फिर यहाँ से आप पाइप सेट करके नीचे से ले आ पाएंगे। तो इसका ऊपर जो टीन सेट कुछ तरीके से रहेगा, अभी यहाँ पर देख रहे होंगे हमने पाइप भी सेट कर दिया है कुछ तरीके से। अभी ये देख रहे होंगे कुछ तरीके से हमने अब ये भी क्रिएट कर लिया है, आप देख रहे होंगे चारों साइड पर, ताकि इसी के जरिए से आपका जो टीन रहेगा वो आप बाहर से दिखेगा नहीं। और फ्रंट व्यू के डिजाइन के लिए हमने कुछ इस तरीके से ग्रिल का यूज किया हुआ है, और टीन सेट जो है दोस्तों कुछ तरीके से आप देख रहे होंगे इसके ऊपर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ तरीके से टीन सेट का यूज कर पाएंगे, ये देख रहे होंगे कुछ तरीके से रहेगा। और जो बारिश का पानी वगैरह होगा, ये जो स्लैब था उसी स्लैब के जरिए पाइप से आपको नीचे आप ले आ पाएंगे। तो यहाँ से आप जो देख रहे होंगे स्टेप रहेगा इस जगह पे 32 फीट बाय 32 फीट का ये हाउस प्लान। ये जो स्टेप आप देख रहे होंगे, इसी स्टेप से होकर एंट्री करके जाते हैं दोस्तों। तो ये जो गेट है, आप इस गेट के जरिए इस जगह पे पहुंचेंगे। 8 फीट चौड़ाई पर रहेगा ये गैलरी टाइप का स्पेस। तो इसी से होकर जाएंगे तो इस साइड की ओर एक डोर फ्रेम देखने को मिलेगा, जिससे जाएंगे तो ये रूम पर पहुंचेंगे। ये रहेगा 12 फीट बाय 11 फीट के अंदर एक बेडरूम। उसके बाद उसके अपोजिट पर यहाँ पर दूसरा डोर फ्रेम रहेगा, जिससे भी जाएंगे तो ये भी सेम साइज है, 12 बाय 11 फीट के अंदर रहेगा ये दूसरा बेडरूम। उसके बाद आपको बैक साइड की ओर यहाँ पर जाएंगे थोड़ा आगे की ओर, तो यहाँ पर आपको हॉल रूम देखने को मिलेगा 12 फीट बाय 10 फीट के अंदर, और ये 8 फीट का, यानी कि ऐसे कि यहाँ इस वॉल से इस वॉल तक करेंगे तो 18 फीट का रहेगा, इस वॉल से इस वॉल तक करेंगे तो 20 फीट का रहेगा, 20 बाय 10 फीट का, लेकिन ये 12 फीट बाय 10 फीट का रहेगा प्रॉपर आपको हॉल रूम। यहाँ पर आप इस एरिया पर डाइनिंग टेबल वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ से जो आप डोर फ्रेम देख रहे होंगे, इस डोर फ्रेम से जाएंगे तो ये जो रूम आप देख रहे होंगे ये 12 फीट बाय 10 फीट के अंदर ये रूम रहेगा। यहाँ पर आप अपना किचन का स्लैब वगैरह यूज कर पाएंगे, किचन रूम की तरह इसे यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैक साइड की ओर यहाँ पर देख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पर और एक डोर फ्रेम देखने को मिलेगा, इससे जाएंगे तो ये 12 फीट बाय 11 फीट के अंदर ये रहेगा एक तीसरा बेडरूम। उसके बाद उसी बेडरूम के ठीक अपोजिट पर इस साइड की ओर यहाँ पर और एक डोर फ्रेम रहेगा, जिससे जाएंगे तो ये भी रहेगा सेम साइज पर 12 बाय 11 फीट के अंदर एक चौथा बेडरूम। और ये दोनों बेडरूम बैक साइड की ओर के बीच में यहाँ पर और एक डोर फ्रेम देखने को मिलेगा, जिससे जाते हैं तो ये आपका रहेगा यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जिसका साइज आएगा 8x7 फीट के अंदर। और बैक साइड की ओर हमने वेंटिलेटर का यूज नहीं किया हुआ है, आप अपने हिसाब से वेंटिलेटर ऐड कर पाएंगे।
तो ये था हमारा आज का प्लान, आपको कैसा लगा? लागत की अगर बात करें तो इस घर को बनाने में करीब 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया पर बनाते हैं और क्या क्या मटेरियल का बना सकते हैं। 4 कमरा का ये प्लान था, 32 फीट बाय 32 फीट के अंदर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।